के जन्मदिन पर कार्यकर्ता भले ही उत्साहित हो, लेकिन अखिलेश ने कहा कि उनके लिए उत्साह के साथ साथ जन्मदिन पर जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव सादगी की मिसाल हैं। वो हर किसी से बड़े सरल भाव से पेश आते हैं। उनके सरल स्वभाव की वजह से ही हर कोई उनका प्रशंसक है। युवाओं में उनकी लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। उनकी सादगी इसी बात से समझी जा सकती है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी। 1 जुलाई को अखिलेश यादव ने अपना 48वां जन्मदिन मनाया और इस जन्मदिन पर अखिलेश ने बड़ी सादगी भरी बातें भी कहीं। अखिलेश ने कहा कि उम्र तो बढ़ रही है और जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। जन्मदिन सिर्फ उत्साह मनाने के लिए ही नहीं है, बल्कि जिम्मेदारियों को पूरा करने का संकल्प भी है। जिन लोगों ने भी जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं, मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जन्मदिन जरूर मन रहा है, लेकिन उम्र बढ़ रही है और संकल्प इतना ही हो सकता है कि प्रदेश आगे बढ़े। जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो देख रही है कि आने वाले समय में बदलाव हो। उन्होंने लगातार देखा है कि किस तरीके से जो वादे किए गए थे वो अभी पूरे नहीं हुए हैं, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार बदलाव की तरफ जा रही है। अखिलेश की इस बात में बड़ा दम है कि उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। अखिलेश उम्र के जिस पड़ाव में हैं, वो सच में चुनौतियों से जूझने का समय है। चुनौतियों का डट कर मुकाबला करना है। विरासत में जो पार्टी मिली है उसको आगे बढ़ाना है। सपा का जो कुनबा है उसका विस्तार करना है। कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह को भरना है, जिससे सपा की साइकिल चलती रहे और लोगों में अखिलेश के प्रति विश्वास भी बढ़ता रहे। अखिलेश अब पार्टी में सर्वे सर्वा हैं। अखिलेश को हर फैसला खुद से लेना है। अखिलेश की पार्टी इस समय विपक्ष में है, सत्ता पक्ष से कैसे मुकाबला करेंगे इसकी रणनीति भी अखिलेश को ही बनानी है। अखिलेश के सामने चुनौतियों का अंबार लगा है, लेकिन अखिलेश ने भी ठान रखा है कि वो हर चुनौती का डट कर मुकाबला करेंगे। समाजवादी पार्टी सत्ता में थी और आज 2021 में बीजेपी सत्ता में है। तब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और आज विपक्ष की भूमिका में हैं। 2016 में संगठन में अखिलेश की पकड़ ढीली थी और आज संगठन के मुखिया हैं। 2016 में अखिलेश के फैसलों में रोड़े अटकाए जाते थे और आज 2021 में अखिलेश को हर फैसला खुद से लेना है। 2016 में यादव परिवार में कलह थी और आज 2021 में अब अखिलेश यादव ही सब कुछ हैं। 2016 में भी मुलायम सिंह उनके समर्थन में थे और आज 2021 में भी मुलायम का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त है। अपने जन्मदिन पर अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में किए गए कामों को गिनवाया। अखिलेश को भरोसा है कि वो फिर से 2022 में सत्ता में आएंगे, एक बार फिर से प्रदेश में साइकिल चलेगी, सपा की सरकार बनेगी और प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर फिर से चलेगा। प्रदेश की जनता उनके कामों का आकलन जरूर करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।